लिमिटेशन ऑफ वेंडरवाल इक्वेशन। इसके पहले हम लोगों ने वेंडरवाल इक्वेशन के बारे में जाना, आज हम लोग उसके लिमिटेशन के बारे में जानेंगे। लिमिटेशन कहने का मतलब है कि कहाँ ये जो वेंडरवाल इक्वेशन है वो फेल कर जाता है। तो वेंडरवाल ने कहा था कि हर एक गैस के लिए उसके गैस ए और बी का वेंडरवाल कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू होगा वो फिक्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एट वेरी हाई टेम्परेचर बी का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज कर जाता है, वेरी करता है, और एट लो टेम्परेचर वेरी लो टेम्परेचर वैल्यू ऑफ ए वेरीज, मतलब दोनों का दोनों वेंडरवाल कॉन्स्टेंट ए और बी है उनका वैल्यू जो है वो वेरी कर रहा है। इस वजह से वेंडरवाल इक्वेशन जो है जो हम लोग रियल गैस के लिए लाए थे वो हर जगह सही से काम नहीं करता है और हमें अदर्स इक्वेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर हम लोग वन मोल गैस की बात करें तो उसके लिए हम लोग वेंडरवाल इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे काफ़ी ज़्यादा तो बी का जो है वो वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए हमने एक जार लिया है और इसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन से हम इसमें प्रेशर इंक्रीज करने लगे तो बी क्या है, बी जो यहाँ पे है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था, वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था, उसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि गैस जो है काफ़ी पास पास आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जब प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो बी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और अगर बी का वैल्यू डिक्रीज तो करना नहीं चाहिए। वेंडरवाल ने कहा था, ये हर कंडीशन में कहा था, किसी गैस का लिए फिक्स होता है। वैसे ही अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं बहुत ज़्यादा तो ए का वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो इस तरह से ये एक फिक्स वैल्यू नहीं रह जाता। अब हम लोग और डिटेल में देखें कि जब हम प्रेशर को काफ़ी कम कर दें और काफ़ी ज़्यादा करें तो किस तरह से ए और बी का वैल्यू जो है वो डिफर कर रहा है इन केस ऑफ वेंडरवाल इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को हम लोग और सिंप्लीफाई और अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम इस तरह से लिखते हैं, वी को आप पी से मल्टीप्लाई करिए पी भी आ जाएगा। इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको एक बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी भी, एक बार वी से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार बी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए वी बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ये वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इस बी से। अब हम क्या करेंगे, इस बी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पी बी और यहाँ पे माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर, माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी, आर टी तो वैसा ही का वैसा रहेगा, इस तरह से आएगा। अब इन सबको अगर हम लोग एडजस्ट करके लिखना चाहें पी वी, कुछ इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू आर टी, आर टी को यहीं रहने दिए हैं, पी माइनस पी बी था इधर आके प्लस पी बी हो गया, इधर प्लस ए बाई वी स्क्वायर, एक बी से एक बी कैंसिल आउट हुआ था तो यहाँ माइनस ए बाई वी वी हो गया, और यहाँ पे क्या था, माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर इधर आया तो प्लस ए बी बाई वी स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा लो कर दिया प्रेशर को, प्रेशर बहुत अगर कम कर दीजिएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर जैसे ही इसी इक्वेशन से देखिए, अगर हम प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का मल्टीपल है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर चूंकि कम है, तो उस केस में क्या होगा कि ये देखिए ये पी बी और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसलिए ये ए बी बाई वी स्क्वायर, प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसलिए पी बी का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसलिए ए बी बाई वी स्क्वायर, चूँकि हम वी वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ए बी बाई वी स्क्वायर जो है वो नेग्लिजेबल, उसको किसी चीज़ से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं वी स्क्वायर से ए बी को, तो वो बहुत कम आएगा, तो उसको हम लोग नेग्लिजेबल मान सकते हैं अगर उसको हम लोग कंपेयर करें ए बाई वी से। इस केस में अगर हम लोग ऐसा करें तो क्या होगा, दोनों को हम लोगों ने नेग्लिजेबल कर दिया और यहाँ से इस इक्वेशन से इसको हटा दिया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, अब हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बी, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि पी बी जो है वो नेग्लिजेबल है और ए बी बाई वी स्क्वायर नेग्लिजेबल है, ये बहुत दोनों अमाउंट कम है एज कम्पेयर टू ए बाई वी के। सबसे पहले क्या किया कि दोनों साइड आर टी से हम इसको डिवाइड करते हैं, दोनों साइड अगर आर टी से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बी बाई आर टी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आर टी बाई आर टी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ए वी ए वाई बाई वी आर टी, ऐसा होगा। तो ये आर टी और ये आर टी कैंसिल आउट हो गया और हमें क्या मिला, वन माइनस ए बाई वी आर टी आ जाएगा। ठीक है, तो पी वी बाई आर टी जो होता है इसके पहले हम लोगों ने देखा था ये क्या है, ये इक्वल टू है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड हम लोगों ने पढ़ा था ना, जेड हमने पढ़ा था इसके पहले, और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी को आर टी से डिवाइड कर दिया, सबको हमने आर टी से डिवाइड कर दिया, आर टी आर टी आर टी सब जगह कर दिया। तो ये आर टी और ये आर टी कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, वन माइनस ए बाई वी आर टी, ऐसा मिल जाएगा। अब ये पी वी बाई आर टी क्या है, ये जेड है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो वो क्या होता है, जेड इज इक्वल टू वन माइनस ए, इसको हम पी वी बाई आर टी को जेड लिख सकते हैं, वन माइनस ए बाई वी आर टी, ऐसा आ गया। तो लो प्रेशर पे क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है एट लो प्रेशर वो हमेशा रियल गैसेस के लिए लेस देन वन आता है। क्यों आता है, क्योंकि वन में से यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने अपने कि क्या होगा एट लो प्रेशर, कि हमेशा वन में से कुछ अमाउंट जो है वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो हमेशा ही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होगा एट लो प्रेशर किसी भी गैस के लिए लेस देन वन ही आएगा। वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि हमारा जो वैंडरवाल इक्वेशन है उसका जो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू जो ए और बी का वैल्यू है, वो प्रेशर और टेम्परेचर पे जो जिसको फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो डिफर कर रहा है। अगर हम प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें तब क्या होगा, जब हम प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें एट हाई प्रेशर तो वी का वैल्यू जो होगा वो कम हो जाएगा, काफ़ी घट जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम में चूंकि इन्वर्सली का प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो अगर हम प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वी का वैल्यू जो है वो काफ़ी घट जाएगा। तो उस केस में भी क्या होगा कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है तो उस केस में पी वी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उस केस में ए बाई वी का वैल्यू और ए बी बाई वी स्क्वायर का वैल्यू जो है पी वी के वैल्यू के कंपेयर में काफ़ी कम होगा। इस वजह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे अगर, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा। कहाँ से आया, हमने पहला इक्वेशन में क्या किया कि ए बाई वी को और ए बी बाई वी स्क्वायर को नेग्लिजेबल मान लिया, किसके कंपेयर में, पी वी के कंपेयर में, चूँकि प्रेशर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जब हम प्रेशर का वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं तो बी का वैल्यू भी घट जाता है। कैसे घटता है, ये हम लोगों ने देखा था कि एक्सक्लूडेड चूंकि वॉल्यूम होता है, बी क्या है हमारा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, और जब हमने प्रेशर को बहुत ज़्यादा एक जार लिया है और एक ये पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो अगर हम प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो बी का वैल्यू जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का वैल्यू है वो घट जाता है। और ए बाई वी और ए बी बाई वी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो पी बी के कंपेयर में कम होता है, इसलिए उसको हम लोग नेग्लिजेबल मान के नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन में भी हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हमने डिवाइड कर दिया है, इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया आर टी से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी बी बाई आर टी, और यहाँ पे आर टी बाई आर टी जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, अब प्लस पी बी बाई आर टी, आर टी आर टी कैंसिल होके वन हो गया, प्लस पी वी बाई आर टी यहाँ पे इस तरह से आ गया है। तो पी वी बाई आर टी क्या होता है, जेड होता है, हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, और इसका वैल्यू अब क्या आ गया, जेड इज इक्वल टू वन प्लस पी वी बाई आर टी। यही वजह है कि हाई प्रेशर पे जेड का जो वैल्यू होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो वैल्यू होता है रियल गैस के लिए, वो हमेशा वन से ज़्यादा होता है। कितना वन से ज़्यादा होगा, यहाँ पे पी वी बाई आर टी वाला जो वैल्यू ये आ रहा है, ये चूंकि वन में ऐड हो रहा है तो हमेशा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जो होगा रियल गैस के लिए एट हाई टेम्परेचर वन से ज़्यादा आएगा। और आइडियल गैस के लिए जेड का वैल्यू जो होता है वो वन होता है,
ये हमेशा याद रखिएगा। एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर को बहुत ज़्यादा अगर घटा दीजिए तो V का वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो PB और A by V और AB by V square ये सारा नेग्लिजेबल हो जाएगा, A का वैल्यू भी जो है A by V जो है वो बहुत कम वैल्यू आ जाएगा। P चूंकि बहुत ज़्यादा कम है तो P को किसी भी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू भी बहुत कम आ जाएगा। ए बी बाई वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये तीनों जो है वैल्यू जो है वो अगर हम कंपेयर करेंगे आर टी से तो बहुत जो है वो कम होगा, नेग्लिजेबल होगा, इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। यही वजह है कि कोई भी रियल गैस जो है एट वेरी लो प्रेशर एज ए आइडियल गैस बिहेव करता है, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन है। और हमने देखा कि क्यों हमें अब दूसरे इक्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो वंडरवॉल इक्वेशन है एट हाई प्रेशर और एट लो टेम्परेचर, अब जो उसके वेरिएबल हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। इस वजह से हमें दूसरे इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी।